गुड इवनिंग एवरीबॉडी, चेक चेक, सबको गुड इवनिंग, चेक सबको गुड इवनिंग. ओके, लेट्स टर्न आवर बाइबल टू जेनेसिस चैप्टर 37. उत्पत्ति के 37 अध्याय में हम देखेंगे वर्स 3. आई विल रीड इट ओनली इन इंग्लिश. तीसरा वचन में तीसरा वचन पढ़ा जाएगा, आप अपने बाइबल में देख सकते हो. जेनेसिस 37 वर्स 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Here we study about Joseph. और यहाँ पे यूसुफ के बारे में लिखा है. Especially in this verse, we are focusing on here talking about Jacob, that is his father. Made him a coat of many colors. और यहाँ पे याकूब जो यूसुफ का पिता है, उसने अपने पुत्र के लिए रंग बिरंगे जो अंगरखा है वो बनवाया है. So his father gave him that coat. और उसने उसके लिए वो रंग बिरंगे जो वस्त्र है उसे बना के दिया है. So it is a token of special love from the father to Joseph. और ये दिखाता है कि वो पिता अपने पुत्र से, उस पुत्र से वो खास प्रेम रखता है. God loves all children, but there will be a special kind of treat for obedient children. पर परमेश्वर सब लोगों से, अपने सारे बच्चों से वो प्रीति रखते हैं या प्रेम करते हैं, परंतु जो उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके आज्ञाओं को मानते हैं उनके लिए वो खास प्रेम रखते हैं. Doesn't mean that God hates others, but there is special kind of grace for them. इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, परंतु जो आज्ञा मानने वाले व्यक्ति है उसके उनके लिए वो खास प्रेम रखते हैं. Because faith obedience always pleases God. क्योंकि विश्वास और आज्ञाओं का पालन करना वो हमेशा परमेश्वर को खुश करता है. So God gives grace to the humble heart. और परमेश्वर जो दीन है, जो नम्र है, उन व्यक्तियों को अनुग्रह देते हैं. According to James 4:6, God resists the proud. और याकूब के चौथे अध्याय और छठे वचन में हम देखते हैं कि घमंडी लोगों का परमेश्वर तिरस्कार करते हैं. And believers who are humble will receive the manifold grace of God. और जो लोग अपने आप को दीन बनाते हैं वहां पे उनके ऊपर अनुग्रह प्रकट की जाती है. According to 1 Peter 4:10 also talking about it. और पहला पत्रस चौथा अध्याय 10वां वचन में भी इसके बारे में बताता है. So we receive and minister one to another as good stewards of this manifold grace of God. और जब हम इस अनुग्रह को पाते हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह वो हमें मिलता है, तो हमें उसको पाकर सेवकाई में उसके इस्तेमाल करनी चाहिए. That is the reason the manifold grace is gives. और इसके लिए परमेश्वर का जो बहुतायक का अनुग्रह है वो हमें दिया जाता है. So this here the coat of many colors can be seen as a manifold grace to be good steward. और ये जो अनेक रंगों से भरा जो वस्त्र यूसुफ को मिला था वहाँ पे वो दर्शाता है कि परमेश्वर ने उनको बहुत सारे चीजों के लिए अनुग्रह दिया था. So here Joseph is wearing this coat. और यूसुफ यहाँ पे इस वस्त्र को पहनता है. So here as Joseph is wearing, same way God has blessed you with manifold grace. Do you wear it? उसी जिस तरह यूसुफ ने उस वस्त्र को पहना है, परमेश्वर ने भी हमें हर एक मुकाम में अनुग्रह दिया है, पर क्या हम उस अनुग्रह के वस्त्र को पहनते हैं? Meaning, do you put it on? इसका मतलब ये है, क्या तुम उसे अपने ऊपर रखते हो? That means for your character. अपने लक्षण के लिए क्या तुम अनुग्रह का इस्तेमाल करते हो? That means when you wear it, you will display it in your character. इसका मतलब ये है कि जब तुम उस अनुग्रह के वस्त्र को पहनते हो अपने ऊपर, तुम उसे अपने लक्षण में दर्शाओगे. So here in this chapter, what has happened was Joseph was wearing it and his brothers started hated him. और इस अध्याय में क्या होता है, जब उस खास वस्त्र को यूसुफ पहनता है तो उसके जो भाई है उसे नफरत करते हैं. But still, in spite of his brothers hated him, still he is wearing that and going to serve them. परंतु फिर भी, हालांकि उनके जो भाई है उनसे द्वेष करते हैं, फिर भी वो वस्त्र पहनकर वो आगे उनकी मदद करने के लिए जाता है. When father told you go and see welfare of your brother, he did not hesitate to go. और जब उसके पिता ने उससे कहा था कि जाओ और अपने भाई के कुशल, क्या वो कुशल है या क्या उनकी वो सुरक्षित है उसके बारे में देखो, तब बिना कोई हिचकिचाहट के वो गया था. So he went to serve them. He went to see them. और वहाँ पे उन्हें देखने के लिए और उनकी मदद करने के लिए वो गया था. So the Christian who receives the manifold grace of God, he will not stop
serving his brethren in spite of hatred. और हालांक जो ये विश्वासी है जो परमेश्वर के अनुग्रह को हर एक मुकाम पे पाता है वो कभी भी अपने अपने सेवा में जो भाई बहन है उनकी सेवा करने से वो नहीं रुकता है हालांकि वो लोग उससे नफरत करते हैं. All of us we receive grace of God. हम सब भी अनुग्रह पाते हैं परमेश्वर से. And God bless you maybe with good health, good knowledge. और परमेश्वर ने हमें अच्छे ज्ञान से अच्छे स्वास्थ्य से हमें आशीष किया है. And good financial blessing and different things. और आर्थिक स्थिति में और हर विषय में शायद परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है. That is all gracious acts towards you. वो सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह से बड़ा कार्य जो तुम्हारे प्रति किया है. But do you wear that? Meaning, do you display that in your character? परंतु to bless others. पर क्या तुम उसे पहनते हो या लक्षण में उसे दिखाते हो दूसरों को आशीष करने के लिए? We need to be as good stewards, but means we need to serve. और हमें एक अच्छे कर्मचारी होना चाहिए मतलब अच्छी तरह से हमें सेवा करना चाहिए. And then in this same chapter, one more thing happened, verse 23. और इसी अध्याय में कुछ और भी हुआ था. What has happened was the brethren stripped Joseph out of his coat. 23वां वचन में हम देखते हैं उसके जो भाई क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं उससे वो वस्त्र वो खास वस्त्र छीन लेते हैं. So the devil tries to strip believers so that they can not put on the character of the grace that God has given to them. दुश्मन चाहता है कि हम भी परमेश्वर के अनुग्रह के वस्त्र को न पहने और वो हमेशा उससे हमसे छीनने की कोशिश करता है. It is easy for the devil to attack through the brethren. और ये अपने आसपास इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर दावा बोलना शत्रु के लिए बहुत आसान है. Because others they don't walk in the spirit, so they easy to kind of like also to attack us. क्योंकि दूसरे लोग जो है वो आत्मा में नहीं चलते हैं उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो उनके लिए वो बहुत साधारण बात है कि वो दुश्मन के चंगुल में आ जाता है और हमारे ऊपर हमला करते हैं. But attacking a spirit-filled believer is a carnal action. परंतु एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी के ऊपर आक्रमण करना वो एक शारीरिक क्रिया है. So when you are walking in the light, bearing the fruit, the carnal believer cannot delight or digest the fact. क्योंकि तुम आत्मा में चल रहे हो और आत्मा में चलने के खातिर तुम फलवंत हो रहे हो सफल हो रहे हो ये एक शारीरिक जीवन में जीने वाला विश्वासी उसे निगल नहीं सकता या उसको ले नहीं सकता इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर हमला करता है. Their hearts are filled with hatred and bitterness and envy. क्योंकि वो तुम्हारे प्रति नफरत से और कठोरता से और दुष्ट आशा से वो भरी हुई होती है. सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज टू बी साइलेंट गिविंग प्रॉब्लम टू गॉड्स हैंड. और इस परेशानी के लिए जो साधन या जो समाधान है वो है कि हमें उस परिस्थिति में चुपचाप रहना चाहिए और उस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंपना Joseph चाहिए. Nowhere fighting with brothers. क्योंकि यहाँ पे कहीं भी यूसुफ हमें उनके भाइयों से झगड़ता हुआ नजर नहीं आता. So that shows that don't take matters into your own hands for taking revenge. ये दिखाता है कि हमें किसी के ऊपर अपने गुस्से को शांत करने के लिए उनसे बदला नहीं लेना चाहिए परंतु उसको परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए. And another time about another cloth is Genesis 39 here verse 12. 39 chapter verse 12. और 39 अध्याय और 12 वचन में हम देखते हैं. Here we are seeing Potiphar's wife caught Joseph by his garments and want to lie with her and then asking him, now he left his garment in her hand and went. और हम देखते हैं कि फोतीफर मतलब यूसुफ का जो मालिक है उसकी जो पत्नी है वो यूसुफ को अपने वस्त्रों से तले पकड़ लेती है और उसके साथ शारीरिक संबंध रखना चाहती है परंतु वो अपने वस्त्र को छोड़कर वाहन से भाग जाता है. So what is the lesson we can learn from there? इस परिस्थिति से हम क्या सीख सकते हैं? Better to bear shame for the glory of God than the compromising the sin and facing the wrath of God. परमेश्वर की इच्छा के लिए और उनकी महिमा के लिए शर्मिंदगी उठाना अच्छा है हालांकि हम दुश्मन से और हमारे शरीर से हम समझौता करते हैं उस बात से ज्यादा. As a believer, spirit-filled believer, as we walk, God also tests us. जब हम आत्मा में चलते हैं आत्मा में चलने वाले विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं. So here temptation is the only way to test the believer character and believer's heart. और प्रलोभन ही ऐसा मार्ग है जो एक विश्वासी को परख सकता है उसके हृदय को और उसके लक्षण को परख सकता है. So here staying true is a much glory. It brings glory to God. और यहाँ पे वो सच्चाई का साथ दे रहा है और वो बात परमेश्वर को महिमा देती है. And also Matthew 5:11-12 it says, blessed thee when people speak against you or evil things against you. और मत्ती के 5वां अध्याय 11 और 12 वचन में कहा गया है कि अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाते हैं तो तुम धन्य हो. In that case, Bible says, rejoice and exceeding glad because your great is great
इट इज योर रिवार्ड. और उस विषय में पवित्र शास्त्र ये कहता है कि तुम उस परिस्थिति में तुम आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारा जो उपहार है पर स्वर्ग में वो बहुत ही महान है. सो नाउ अननेसेसरली दे स्ट्रिप्ड ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ दैट अनजस्ट सफरिंग ही हैड टू लीव हिज क्लोथ्स एंड नाउ maybe they put on that criminal clothes and put him in the prison now. aur kyunki wo praloban uske paas aaya usne apne vastra chhod ke wo uska haqdar nahi tha parantu fir bhi wo apne vastra chhod ke abhi usse ek qaidi ka vastra pehna ke shayad jail mein dal diya gaya. so now he is in prison with this criminal clothes. और वहाँ पे हम देखते हैं वो एक कैदी के समान वस्त्र पहन के रह रहा है. But the story did not end there. परंतु कहानी वहीं पे खत्म नहीं हुई. Genesis 41 verse 42. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 40वां अध्याय. According to that verse, Genesis 41 verse 42. Here in Joseph's case, 44 gave his ring, put his hand, and he gave also the vestures of fine linen. That means his royal clothes. On Joseph. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 41 अध्याय और 42 वचन में कहा गया है कि वो जो फोतिफर था उसका जो मालिक था उसको सबसे बड़ा अधिकार यूसुफ को सबसे बड़ा अधिकार दिया और राज्य से जुड़े हुए जो वस्त्र है उसके ऊपर उसने डाले. So the Christian who suffered and stripped off for righteous sake will always be blessed with the royal status. धार्मिकता के वजह से जो जो चीजें एक विश्वासी से छीन लिए जाते हैं एक दिन वही उसी विश्वासी को सम्मान दिया जाता है. So Joseph's shame has been spoken in midst of some people. और थोड़े लोगों के बीच में उसके शर्मिंदगी के बारे में चर्चा हुई थी. But Joseph's fame has been shared to whole globe. परंतु उसका जो विश्वास था वो पूरे दुनिया को पता चला. So don't worry about the precious gift that has been taken away from you. That is the colors of many, the coat of many colors. और वो जो रंग बिरंगी वस्त्र जो यूसुफ के पास थी इसी तरह हमें भी खास तोहफे मिलते हैं जो हमसे शायद लोग छीन लेते हैं. Meaning maybe many people try to kind of make you as helpless. And kind of put you in different discouragement places. इसका मतलब है शायद लोग ऐसी बातें कर सकते हैं जो तुम्हें निराश कर जाए और तुम्हें कोई भी सहायता तुम्हें न पहुंचे इस परिस्थिति में शायद तुम्हें डाल सकते हैं. But if you are abiding in the plan of God, you will be receiving the royal treat by the grace of God. परंतु अगर तुम परमेश्वर की इच्छा में टिके रहते हो तो तुम सबसे बड़ा और महान वस्त्र पाओगे परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह से. Psalm 30 verse 11 it says, "Thou hast turned for me my mourning into dancing." और हम देखते हैं कि भजन संहिता 30 अध्याय और 11 वचन में कहा कि तुमने आपने मेरे रोने को हंसी में बदल दी. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. और हम देखते हैं कि मेरे रोने का जो वस्त्र है उसको उदासी का वस्त्र निकाल के आपने मुझे अच्छे वस्त्र खुशी के वस्त्र पहनाए. So no matter what condition of the garment you are wearing, but ultimately you abide in the plan of God. One day you will be receiving the great reward for you. और आज हम किसी भी दूसरे प्रकार के शायद वस्त्र हम पहने हुए होते हैं परंतु एक दिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा में टिके रहते हैं तो वो सबसे जो महान और राज्य से जुड़ा हुआ वस्त्र परमेश्वर हमें ग्रहण करेंगे. If you abide, God is going to turn your mourning into gladness. और अगर हम उनके इच्छा में स्थिर रहेंगे हमारे रोने को परमेश्वर खुशी में बदल देंगे. May God bless this person. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे. थैंक यू.